नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे टाडाला फील प्लस डेपोक्सिटीन। टाडाला फील प्लस डेपोक्सिटीन जो दवा है वो पुरुषों में होने वाले सेक्सुअल डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में इसका यूज लिया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं टाडाला फील के बारे में। टाडाला फील एक PDE5 इनहिबिटर है जो ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है पेनिस के अंदर। जब पुरुष शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं उस टाइम पे पुरुष के जननांगों में ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाकर इरेक्शन को भी बढ़ा देता है, जिससे जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। दूसरा, इसमें ड्रग के अंदर जो कंपोजिशन है वो है डेपोक्सिटीन। डेपोक्सिटीन एक SSRI इनहिबिटर है जिसको सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। ये हमारे ब्रेन में जो सीरोटोनिन बनता है उसके लेवल को बढ़ा देता है। तंत्रिका तंत्र में सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाकर जो प्री मेच्योर एजुकुलेशन की जो समस्या है उसको ये ठीक करने में यूज लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस दवा की डोज के बारे में। टाडाला फील डेपोक्सिटीन की जो स्ट्रेंथ है वो दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। टाडाला फील 10 मिलीग्राम और डेपोक्सिटीन 30 मिलीग्राम। दूसरी जो स्ट्रेंथ है इसकी, उसमें टाडाला फील होता है वो 20 मिलीग्राम होता है और डेपोक्सिटीन होता है वो 60 मिलीग्राम होता है। इस दवा का यूज 24 घंटे में एक बार करना चाहिए और अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस दवा का यूज करें। जिन व्यक्तियों की BP लो रहती है या जिन व्यक्तियों की हार्ट से संबंधित कोई दवा चल रही है या सीवियर कोई लीवर डिजीज है, उन व्यक्तियों को इस दवा का यूज नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मेच्योर एजुकुलेशन दोनों बीमारियों को एक साथ ठीक करने में इसका यूज लिया जाता है। जब पुरुष अपने महिला पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप या शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो उनमें इरेक्शन नहीं हो रहा होता है, या फिर दूसरा उनमें जल्दी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये दोनों ही बीमारियों को एक साथ ठीक करने में इस दवा का यूज़ लिया जाता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। हर दवा की तरह इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे सिर में तेज़ दर्द होना, वोमिटिंग होना, नोक्जिया होना और धुंधलापन सा दिखाई देना, इनडाइजेशन होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अब इस दवा का यूज जो है वो 18 साल से कम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और इस दवा का यूज हमेशा खाने के एक घंटे बाद में ही करना चाहिए। जब अपने महिला पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उससे एक घंटे पहले या 3 घंटे पहले इस दवा का यूज लेना चाहिए। और इसमें एक वार्निंग है, जो व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के लो BP की प्रॉब्लम है उनको इस दवा का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।